गुड मॉर्निंग भाइयों। तो फाइनली अब हमें कल्पा किन्नौर में, ठंड बहुत भयंकर थी, नहाने में कब कब भी छूट गई। टाइम हो रहा है करीब करीब 10। अब हम खड़े हैं भैया, कहाँ पर खड़े हैं हम? अभी हम किन्नर कैलाश है, ये किन्नर कैलाश की पीक है यहाँ पे। उसको आपको दिखाते हैं, एक सेकेंड जाओ, आगे हो जाओ। ये सामने किन्नर कैलाश है। हाँ जी, यहाँ पे हमारे भोले शंकर जी बसते हैं। ये जो थम जैसी जो आकार दिख रहा है, ये है किन्नर कैलाश। और उधर उधर है पार्वती। सनशाइन के वैसे दिख नहीं रहा है भैया। इनका ट्रैक कब होता है साल में? इसका ट्रैक अगस्त में होता है। अच्छा, अगस्त में आते हैं। 15 अगस्त तक इसका ट्रैक होता है। अब स्नोफॉल शुरू हो जाएगी यहाँ पर? हाँ जी, स्नोफॉल जब वेदर खराब हो जाएगा उसके बाद कभी भी स्नोफॉल हो सकती है। तो भैया वैसे पूरा साल खुला रहता है, पूरे साल आ सकते हैं? हाँ जी, पूरे साल खुला रहता है। ओके भैया, टेम्परेचर इस टाइम बहुत कम है। अभी तो आज अभी तो सुबह 8-9 के बीच तो होगा, अभी रात को 3-4 चल जाता टेम्परेचर। रात तो मैंने देखा था तब तो -1 था। हाँ, माइनस में। रात को शायद माइनस हो सकते हैं। ये रही हमारी गाड़ी पार्क। अब हम यहाँ से निकलते हैं। ये हमारे रूम की कंडीशन। ये भाई हमारे तैयार होते हुए चले फिर। होटल दामोंग। अब यहाँ से निकल रहे हैं। ये खड़ी हमारी कार जो कि बहुत गंदी हो चुकी है। चन्नू भाई सामान रख लो अंदर। तुम्हारे बैठ जाओ, बैठ गए भाई। तो भाई आज का हमारा क्या रहेगा? भाई पहले तो जाएंगे नाकोलेक। नाकोलेक तो दूर है, पहले नाकोलेक होते हुए जाएंगे ना। सुसाइड पॉइंट जाना है। सुसाइड पॉइंट भी जाएंगे, नाकोलेक भी। नाकोलेक तो सुसाइड पॉइंट तो पहले ही पड़ जाएगा। तो फिलहाल हम कल्पा में हैं। कल्पा का सुसाइड पॉइंट देख के, यहाँ की मोनेस्ट्री देख के फिर हम निकलेंगे स्पीति के लिए। अब रास्ते में जो जो पड़ेगा दिखाएंगे। कहाँ का सोचा है, कहाँ रुके आज रात? स्पीति रुकना सीधा काला। तो सोचा शायद ताबू पार्क ना कर पाए, अगर ताबू घूम लिए तो रात को निकल जाएंगे जैसे तैसे। याक्स पश्मीना। साइड पॉइंट का डिस्टेंस यहाँ से रह गया करीब करीब बस 1 किलोमीटर। नजारा भाई साहब देखने लायक है, मजा आ जाएगा। ऑसम, मेरा पहली बार है यहाँ, जो आया होगा उसे तो खैर पता होगी। भाई साहब पेड़ हरियाली दिखाते हैं आपको सारा टाइम लैप्स में, और नजारा बेहतरीन। शूटिंग कर लो यहाँ फिल्म की पूरी, एक मजा नजारा ऐसा न जाने कैसा। होपफुली आप सारे देख रहे होगे। तो कंटिन्यू बर्फ पड़ रही है एकदम दबा गया। वहां तक आएंगे हम, वेट करो जरा। अभी तो खैर बहुत आगे जाना है, बहुत आगे जाना है। क्यों? शिमला से लगभग हम 350 किलोमीटर से ऊपर आ चुके हैं। हाँ वो तो है ही। खैर बस कर देता हूँ। दिस इज द फेमस सुसाइड पॉइंट ऑफ कल्पा। और ये जो रेलिंग दिख रही है वो इन्होंने अब लगाई है। पहले बिल्कुल खुला था ये।
ये सुसाइड पॉइंट से आगे तो लगभग सारा ही ऑफ रोड है, रोड पूरी खत्म। अब तो फिर से वापस ही जाना पड़ेगा, ऑफ रोड भी हल्का फुल्का नहीं, गंदा वाला, और आगे तो यही हाल है, गाड़ी मोड़ने की भी जगह नहीं। फाइनली कल्पा का सुसाइड पॉइंट हमने घूम लिया है, अब हम रुके हैं कुछ नाश्ता पानी करने। तुम्हारे चाबी तुम पे गाड़ी की? ना मेरे पे ही है, चाबी अंदर ही है, निकाल लो। अब हम यहाँ पर खाना खाने रुके हैं, कुछ खाना भी का नाश्ता हल्का फुल्का लेंगे। तन्नू भाई तुम्हारी तबीयत जवाब दे जाती है, अब नाश्ता करके यहाँ से चलते हैं मोनेस्ट्री में, कल्पा की बहुत फेमस मोनेस्ट्री है, वहाँ घूम के फिर निकलेंगे ताबू के लिए। रात वाले रेस्टोरेंट में आए हैं दोबारा, बाकी सुसाइड पॉइंट भाई साहब मजा आ गया है, कुछ अच्छे अच्छे शॉर्ट्स भी मिल गए हैं वीडियो के लिए। ठंड बहुत बेहतरीन है, मज़ा आ रहा है, घूमने में दिक्कत कुछ नहीं है, खाना बिल्कुल यहाँ घर का मिल रहा है। तो अब फाइनली ब्रेकफास्ट हमारा आ रहा है, पराठे आ रहे हैं, आलू के पराठे, प्याज, आलू प्याज अभी निकालते थोड़े। पर हमारा सामने का व्यू देखो जहाँ से हम खाना खा रहे हैं, एक सेकंड दिखाता हूँ। लुक एट द व्यू, सनशाइन की वजह से इतना नहीं दिख पा रहा, बर्फ ही बर्फ है ऊपर टोटल। और भाई साहब यहाँ नाश्ता करने में बहुत मजा आ रहा है। ये पीछे भाई को दिखा देना, ये कुछ भाई हमारे साथ कल्पा के लोकल हमारे साथ मोनेस्ट्री तक छोड़ने जा रहे हैं हम। एक्चुअली हमें मिल नहीं रही, बहुत देर तक घूम रहे हैं, कभी कहीं कभी कहीं पहुँचते आ रहे हैं, रास्ता मिल ही नहीं रहा। भाई कितनी दूर है यहाँ से? ऐसे नीचे भाई पहली बार आए हैं, 1.5 किलोमीटर यहाँ से अभी करना है। अभी भाइयों ने हमें किन्नौर कैलाश के दर्शन कराए, कैमरे से शूट नहीं कर पाए, बताते हैं दिन में 7 बार रंग बदलते हैं यहाँ से महादेव, रास्ते में भी काफ़ी मदद कर दी इन्होंने। अब चलते हैं मोनेस्ट्री दिखाते हैं आपको। अब ये पैदल पैदल हम मोनेस्ट्री की तरफ जा रहे हैं, है आधा 1.5 किलोमीटर की पैदल पैदल चढ़ाई, सनलाइट ज़्यादा है, कुछ दिख नहीं रहा होगा आपको, काफ़ी सुना भी लोगों से मोनेस्ट्री के बारे में, दिखाते हैं आपको। बाकी जो लोकल भाई थे बहुत बढ़िया थे, काफ़ी कुछ बताया उन्होंने, शूट नहीं कर पाए, कैमरा ऑफ था गलती से, काफ़ी हेल्प। मोनेस्ट्री के बाहर ये रिकॉन्ग पियो का एक स्कूल और नीचे हॉस्टल, बच्चे ऊपर पढ़ाई कर रहे थे, अलाव नहीं किया उन्होंने फिलहाल, ना दिखाते आपको। तो अभी मोनेस्ट्री घूम के हम बिल्कुल अभी वापस आए हैं, वहाँ पाठ चल रहा था जिसकी वजह से मतलब बहुत शांति थी, वहाँ हमें चुप रहना पड़ा, मतलब वहाँ कुछ बोल के शूट नहीं कर पाए, बाकी कहते हैं ना बड़ी पॉजिटिविटी फील हुई वहाँ जाके, और ऊपर बुद्धा जी की बहुत बड़ी मूर्ति थी जिसके साथ हमने थोड़े से वीडियो शॉट्स ले लिए, पाठ चल रहा था बराबर में, एक स्कूल भी था वहाँ भी बच्चे पढ़ रहे थे,
मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और एक मॉन्क ने हमें रोका भी, इतने हम्बल इतने काइंड थे, उन्होंने हमें फूड ऑफर किया सब कुछ था, और कुछ नहीं बस हमें जल्दी थी तो हम निकल आए। बाकी आपके लिए शॉर्ट्स लिए हैं, आप व्लॉग में देखें। हमें ताबू की तरफ जाना है, ताबू स्पीति। हम नीचे से नहीं आए, पौरी से। हम तो ऊपर से आ रहे हैं, हम किधर की तरफ जाएं? किधर से जाएं? ताबू के लिए, ताबू के लिए तो नीचे उतरना पड़ेगा पौरी। अच्छा, पौरी से फिर सीधा ऊपर। ओके, धन्यवाद जी, धन्यवाद।